अरे फाइन मारणार, सायलेंसर काढून घेणार रॉंग. मैं ये गाड़ी छोड़ूंगा नहीं, सायलेंसर जब्त करके लूंगा, आप फाइन भरो. तो फाइनली गाइस कैसे आप लोग. तो गाइस अभी आप लोगों को जो मैं बोला था कि जेड एक्स एनआर लेने के लिए जा रहा हूँ, एंड पहले उसका प्राइस देखना है और उसके बाद दो तीन शोरूम में जाने का है. तो अभी पहला जा रहा हूँ शोरूम में. शोरूम में कहाँ पे, तो भाई आप लोगों को बता देता हूँ, जुगेश्वरी. तो गाइस अभी ना मेरी गाड़ी यहाँ पे है, और गाइस आज के दिन है ना इतना ज़्यादा रेड जोन हो चुका है, बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. और ये गाड़ी अपनी चेक करो यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे मेरे दोस्त लोग है. भाई को सपोर्ट करो, भाई काफी टाइम से बना रहे वीडियो, इसकी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, बहुत कुछ आपके लिए सरप्राइज है. तो गाइस अपना एक भाई उधर देख रहे, ये अभी गांव से आए इसलिए इधर. तो भाई इतना भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ बारिश में, बिक बिक के मेहनत गाड़ी चला रहा. सुपर बाइक बोले तो भाई बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है. एंड भाई आप लोग के लिए इतनी वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को और एकदम फुल एंजॉय करते रहिए. तो फाइनली गाइस मिलते हैं राइड पे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. व्हाट्स अप एवरीवन, फ्री टाइम राइड टाइम, लेट्स बिगिन. तो फाइनली गाइस अभी निकलते हैं, एंड चेक करो भाई यार बारिश के टाइम में ना मेरा क्या पता क्या हो रहा है. एंड माइक में ना, माइक और कैमरे में ना W40 मार रहा हूँ भाई, अभी W40 में लगाया हो ना इसके लिए. और आज के दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है यार मुंबई में, ये देख रहे हो. मेरा टायर है ना बहुत गंदा वाला स्लिप मार रहा है भाई, इतना बड़ा बड़ा रिस्क ले रहा हूँ एंड सुपर बाइक का भाई. तो आप लोग भी अपने भाई को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा. तो गाइस अभी जा रहा हूँ कावासाकी शोरूम में जोगेश्वरी. ओ भाई क्या बचा यार, खड्डे में जाने वाला था अभी बच गया. मौसम देख रहे हो गाइस, मौसम चेक करो, मुंबई का खतरनाक लेवल का मौसम बन गया हुआ है. ओ रिएक्शन भाई का देखो, बारिश के टाइम में ना कोई सुपर बाइक नहीं निकाल रहा भाई, कोई भी बंदा नहीं भाई, बहुत कम ना के बराबर, एंड खाली संडे के दिन निकल रही है, बाकी ऐसा नहीं निकल रहा है जैसे मैं चला रहा हूँ. बहुत ज़्यादा रिस्क लेके चला रहा हूँ क्योंकि मैं डेली वीडियो कर रहा हूँ ना, इसके लिए मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और बाकी काफ़ी चीज़ का ना सामना देखना पड़ रहा भाई, सामना करना पड़ रहा भाई, खतरनाक लेवल भाई. ये देखो अपना भाई निकला. तो गाइस कावासाकी शोरूम में क्यों जा रहा हूँ, पहले आप लोगों को मैं बोला था कि गाड़ी लूँगा, बट गाड़ी लेने से पहले ना मुझे प्राइस पता करना पड़ेगा कौन से शोरूम में कितना चल रहा है. इतना 3 से 4 शोरूम है मुंबई के अंदर, एंड प्रेजेंट उसमें भी जाने की कोशिश करूँगा और वहाँ पे सब में पता करूँगा गाइस. और उसके बाद है ना सेकेंड में भी पता करने वाला हूँ, सेकेंड में क्या प्राइस मिल रहा है मुझे जो कावासाकी जो लेने का है. तो बट अभी जा रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई 18 लाख तक का मिलेगा भाई सेकंड में, अच्छे से अच्छे कंडीशन में 18 से 19 लाख रुपए का. एंड इसके लिए 10,000 किलोमीटर तो चला ही रहेगा भाई, कैसे भी हो कोई भी गाड़ी टेनार. तो इसके लिए मैं ना सोच रहा हूँ कि भाई पहले ना मैं ना प्राइस पता कर लेता हूँ, अगर 21 तो इसमें बता रहा है, बहुत पहले मैं पूछा था भाई तो 21.5 लाख रुपये बता रहा था. तो अगर 21.5 लाख 21 से 22 लाख रुपए तक का रहेगा तो मैं डायरेक्ट नया निकालूंगा इसके लिए, कि भाई 17-18 लाख रुपए डालने से अच्छा है कि अपना नया गाड़ी निकालो अपने को, और अपना कोई बंदा चलाया नहीं रहेगा, फर्स्ट ओनर बनेंगे, सब कुछ अपना फर्स्ट रहेगा, तो एकदम फुल तबाही होने वाली है. क्या बोलते भाई, बोलते ना खुद के नाम पर रहने से ना अलग ही फील रहते, तो फिर बाद में अलग नाम पर करो ऐसा करो वैसा करो तो बहुत ज़्यादा उसमें ना इधर उधर रहता भाई. तो इससे अच्छा है कि नया गाड़ी लो भाई 2 से 3 लाख रुपये डाल के. और ये भी गाड़ी अपने पास रहने वाली है भाई, इसको तो नहीं निकालूंगा, यहाँ से अब कलेक्शन रहेगा मेरी गाड़ी का. तो गाड़ी का गाइस कलेक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा रिक्सी भी रहता है यार ये मोटर ब्लॉगिंग के अंदर. ओहो गाड़ी के अंदर ऐसा लग रहा ना हवा बहुत ज़्यादा कम है, बट सही है भाई. ओए ओए ओए
बारिश के टाइम में ना गाइस, अगर आप लोग गाड़ी चलाते हो, राइडिंग कर रहे हो भाई, कोई भी गाड़ी चला रहे हो, सेफली चलाना भाई। अचानक में भयानक हो जाता है, समझ रहे हो, ऐसा सीन हो जाता है भाई। युगेश वेरी अंधेरी, ये देखो कहाँ से कहाँ लेके जाके रिटर्न कर रहे हैं। क्या हुआ? तो गाइस आ जाना, मैं कैमरा लगा के यहाँ पे से शूट करने वाला हूँ। मुझे ना गाइस बहुत ज्यादा काम है अभी, बहुत ही ज्यादा काम है। भाई 24K हो गया भाई अपना, 24,000 सब्सक्राइबर हो चुके एंड कंप्लीट। तो जल्दी से गाइस, बस आप लोग है ना 30K कर दो यार, 30K 6,000 फटाफट आप लोग कंप्लीट कर दो 30K। अभी स्कूल कॉलेज सब चालू हो गए, तो स्कूल कॉलेज में जितने भी मतलब दोस्त यार है ना आपके भाई, हर जगह वीडियो शेयर करो। तो गाइस देख रहे हो ये व्यू, ओहो हो, ये देख रहे हो। हाँ सर, सायलेंसर हा चालत नाही। अरे फाईन मारणार, सायलेंसर काढून घेणार, रॉंग। मैं ये गाडी छोडूंगा नाही, मैं डायरेक्ट गाडी चौकी में खड़ा करूंगा। वाला लेके आओ, साइलेंसर निकालो, मैं साइलेंसर जब करके लूंगा, आप फाइन भरो, पावती लो और निकल जाओ दादा। तो फाइनली गाइस अभी शोरूम के पास आ चुका हूँ एंड अपनी गाड़ी लेके, और गाड़ी कैसे लेके आया, नहीं लेके आया तो गाइस आप लोग के वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। बट गाइस मेरा आज का दिन बहुत बुरा गया, बट ये गाइस चेक करो ये अंदर शोरूम के अंदर भाई, क्या ये भाई, ये राइडर लोग की जान है। एंड ये गाड़ी देख के ना भाई अलग ही फील हो गया भाई, खुशी जो होती मतलब वापिस आ गया है रिटर्न भाई, क्योंकि एक सुपर बाइक देख के ना भाई अलग ही खुशी होती है, अलग ही मोमेंट हो जाता है भाई। इतना ज़्यादा टेंशन में था, बट ये भाई से पूछते हैं, पूरा अच्छे से डिटेल लूँगा, डिटेल लेने के बाद आप लोग को स्क्रीन शॉट डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। ये देखो 6R ये है एंड और ये है 10R अपनी। तो गाइस अभी यहाँ पे ना 10R जी लगी हुई है, ब्लैक कलर का 10R है एंड सब ग्रीन कलर है, बट ग्रीन कलर में 10R अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, 6R है ना यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइस 6R देखो आप लोग, एंड ऊपर से देखो टैंक देखो भाई, कितना तगड़ा वाला दिख रहा है, बहुत बड़ा टैंक दिख रहा है इसका एंड ऊपर से, और रियल में भाई इसका ना 6R का बहुत बड़ा है टैंक। एंड ये देखो भाई ब्लैक में 10R, और गाइस अपने को ब्लैक तो नहीं लेने का, 10R ग्रीन कलर में लेने का है। बट ये देखो भाई 300, 400, 650, और ये भाई किसी और बंदे का है 10R, ये रेडियम किया गया है इसको, बाकी यहाँ पे सर्विस में आई हुई है। तो गाइस अभी ना आप लोग को 900 दिखाने वाला हूँ, उसी 900 का आवाज है। ये देखो भाई तगड़ा लुक है भाई, बॉम है एकदम भाई। तो गाइस आप लोग है ना कमेंट करके बताना 6R लूँ या 10R, बट गाड़ी में दोनों पावर है भाई, तो कमेंट करके बताना आप लोग। बट है ना गाइस 6R तो मुश्किल है 10R पे, बट आप लोग कमेंट करके बताना भाई, बाकी लुक चेक करो भाई।
सो फाइनली गाइस अभी ना फिलहाल घर पे आ चुका है एंड गाइस आप लोग को ना भाई बताता हूँ पूरा डिटेल में। गाइस अभी यहाँ से ना मैं जा रहा था कुरला सीएसटी वाला रोड से, फ्लाईवे मारते तो अंधेरी वाला रोड पकड़ता है भाई, वहाँ पे अंधेरी वाला रोड पे भाई वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ एंड आगे जैसे गया भाई पीछे से पुलिस वाला आके भाई पकड़ लिया जबरदस्ती, मतलब बोल रहा हूँ मैं जबकि मैं एक्सी नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया, बस नॉर्मल आवाज में चल रहा हूँ भाई, आवाज भी नहीं आ रही थी गाड़ी में क्योंकि ट्रैफिक की वजह से ना, तो भी मतलब बोले गाड़ी का साइलेंसर चेंज है इसके लिए मारना ही है, मतलब कुछ भी करो भाई हमको करना ही करना है, मतलब है ना ऐसा सीन चल रहा था। बाकी मेरे आवाज पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे कैमरे में क्या हो रहा है, मेरे माइक में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ रहे पकड़ रहे माइक में आवाज ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी को पता है तो भाई कमेंट करके मुझे बताओ यार, काफी टाइम से मैं परेशान हूँ माइक की वजह से। पुलिस वाले ऐसे थे ना मतलब कुछ भी करो भाई, आवाज भी नहीं दे रहे, तुम कुछ भी करो, गाड़ी के अंदर अगर एक चीज दिख गया तुम्हारा नुकसान है तो तुम्हारा मतलब कैसे भी करके तुम्हारा फाइन लेगा ही लेगा, ऐसा मतलब सीन चल रहा था। मैं बोल भी रहा हूँ कि एक्सी नहीं दिया नहीं कुछ दिया भाई, आवाज में नॉर्मल आवाज में चल रहा हूँ, नहीं मुझे फाइन मारना है, ऐसा सीन हो गया था भाई। मैं बोल भी रहा हूँ कि मैं एक्सी नहीं दिया हूँ तो भी नहीं सुन रहा भाई कुछ भी बोले नहीं। अभी उसके बाद है ना ज्यादा बात करने लगा ना, तो उसके साथ में एक बंदा था उसको भेज दिया, बोले भाई तू जाके देख तो पास में गैरेज है क्या, वो बंदा भाई चले गया डायरेक्ट। और उसके बाद है ना मैं काफी हैरान हो गया, वहाँ पे बोल रहा था कि भाई तेरा साइलेंसर काट के मैं लेके चले जाऊंगा और उसके बाद फाइन लगेगा, फाइन भरेगा फिर लेके जाएगा, बट साइलेंसर नहीं मिलने वाला है, बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ तो भी नहीं सुन रहा है, बट मेरे माइक की वजह से ना मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था जिसकी वजह से फिर। और एक बात ये है कि भाई अगर अपना इंडिया में अगर बाहर से कंट्री से गाड़ी आती है तो उसका तो टैक्स लगता है ना भाई, गाड़ी के अंदर बड़े बड़े जो साइलेंसर लगाए जाते हैं भाई 2.5 लाख 3 लाख 3.5 4 लाख रुपए का जो साइलेंसर लगते हैं एग्जॉस्ट लगते हैं भाई, तो उसका भी ये टैक्स मार्क अलाउ नहीं है, तो भाई उस चीज को बैन करो ना, तुम क्यों ले रहे हो टैक्स, वो टैक्स मत लो भाई, जो अगर लीगल नहीं होगा तो इंडिया में कोई लगाएगा नहीं, तो ये सब सीन आप खुद ही कर रहे हो, लास्ट में बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो बंदे पे कुछ भी कहीं से भी इंजाम लगा के भाई तुम ऐसा किए हो तो इसका फाइन लगेगा, ऐसा कर रहे हो तो इसका फाइन लगेगा, ऐसा नहीं होने। बट है ना बारिश इतनी हो रही थी ना कल होने की वजह से ना, जैसे ना दुकान बंद था, बंद होने की वजह से मेरा साइलेंसर बच गया भाई, नहीं तो बंदा निकाल लेता और निकालने के बाद क्या होता मुझे, तो ऐसा ऐसा सामना करना पड़ा गाइस। भाई आप लोग इतना सपोर्ट करो बस, ये आप लोग है ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तुम्हारा भाई इतना प्रॉब्लम में जाके भाई जाने के बाद भी तुम्हारे को भाई वीडियो बता रहा है, वीडियो लेके आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, हर चीज कर रहा है भाई, तो आप लोग का तो फर्ज है ना भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ तो फल मिलने चाहिए, तो भाई आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और ZX10R का सब कोडिंग दे दिया तो आप लोग कमेंट करके बताओ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में 10R का मैं आप लोग, तो एंड आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, लव यू गाइस।